का पूजा जैसे आप लोगों का नवरात्रि है। फिलहाल दिल्ली में जब बिल्कुल देखिए मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कालीबाड़ी इलाके में। दिल्ली में भी बहुत सारे बंगाली रहते हैं। माँ दुर्गा की पूजा धूमधाम से मनाई जाती है दिल्ली में। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कितना भव्य पंडाल, कितनी ज्यादा भीड़ जो है यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो यहाँ पर भक्त है वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बंगाल से आते हैं और यहाँ पर आकर माँ दुर्गा का दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उनकी। इसके साथ ही कई सारे यहाँ पे प्रोग्राम भी जो है उनका आयोजन किया गया है लोगों के लिए। बंगाल से एक व्यक्ति मौजूद है मेरे साथ और इनसे बात करेंगे कि बंगाल में किस तरह से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा आप लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, आप बंगाल से हैं, किस तरह से मनाते हैं, कितना अलग होता है? हमारा पूजा जैसे आप लोगों का नवरात्रि है, हमारा पंचमी से स्टार्ट हो जाता है पूजा और वो दशमी तक चलता है। तो हम पंचमी से दुर्गा पूजा को हमारा ऐसे पूजा को प्रतिष्ठा होता है, पंचमी का दिन होता है। उसके बाद षष्ठी, सप्तमी, आज नवमी का दिन है। सुबह से लेकर शाम तक बारी बारी में पूजा होता है, उसके बाद दशमी हो गए। माँ दुर्गा की पूजा जो है उसमें नारियल का क्या महत्व होता है? हम देखते हैं कि एक बकायदा जो है एक वो होता है बाउल होता है, उसमें बहुत सारे नारियल को जलाया जाता है, उसका क्या महत्व होता है? हमारी पूजा में बिना नारियल का होता नहीं, पूजा में नारियल का बहुत महत्व है। ठीक है, नारियल हर पूजा में चाहिए होता है। नारियल का अलग अलग तरह से लड्डू वगैरह बन जाती है ना, जो प्रसाद के लिए चाहिए। आपने देखा किस तरह से तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं बता रहे हैं कि माँ दुर्गा का कितना ज्यादा महत्व है और किस तरह से माँ दुर्गा की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। खास करके दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बंगाल से आते हैं, यहाँ पर भव्य पंडाल का आयोजन।